सीधी जिले के पनवार के पास दो मोटरसाइकिल चालक आपस में टकराए, दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल सीधी में चल रहा है उनका उपचार। सीधी जिले के पनवार हवाई पट्टी के पास तेज रफ्तार भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां दो बाइक सवार व्यक्ति आमने सामने टकरा गए, जिसमें दो व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। जिन दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय सीधी में ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीधी की तरफ से रामपुर नैकिन की तरफ जा रहा एक बाइक चालक और चुरहट की तरफ से सीधी की तरफ जा रहा बाइक चालक अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के सर और पैर पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हालांकि स्थानीय राहगीर और पुलिस की मदद से उसे ऑटो के माध्यम से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय सीधी में आज शनिवार को भिजवा दिया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। सीधी जिले में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर एक बार फिर से छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीधी जिले में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के छात्र छात्राओं के द्वारा आज तिरंगा यात्रा सीधी जिले के पटपरा से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई है। बता दें कि आज काफी अरसे से सीधी जिले में विश्वविद्यालय की मांग उठी है और एक बार फिर से छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बता दें कि आज सीधी जिले में एक बार फिर से विश्वविद्यालय की मांग उठती नजर आ रही है। सीधी जिले में पटपरा से लेकर के कलेक्ट्रेट तक आज छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। चल रही तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं। बता दें कि सीधी जिले में काफी लंबे अरसे से विश्वविद्यालय की कमी है। विश्वविद्यालय की मांग को छात्र छात्राओं के द्वारा उठाया जा रहा है, निरंतर उनकी प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज उनके द्वारा पटपरा से सीधी जिले के कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बता दें कि चली तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है, विश्वविद्यालय की मांग रखी जा रही है और निरंतर तिरंगा यात्रा हर जगह निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज पटपरा से कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, विश्वविद्यालय की मांग रखी गई है। ग्राम पौड़ी में तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में घुसा, क्लीनर हुआ घायल, हाथ पर आई चोट। जेसीबी की मदद से ट्रक को निकालने का किया जा रहा है प्रयास। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पौड़ी में तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक खेत में जा घुसा, जिसकी वजह से क्लीनर के हाथ पर चोट आई है। उसे इलाज के लिए ड्राइवर व अन्य ग्रामीणों की मदद से जिला चिकित्सालय सिटी में ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार निगरी से रेत लेकर वह रामपुर नैकिन की तरफ जा रहा था, तभी ग्राम पौड़ी के पास वह अनियंत्रित हो गया और दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से क्लीनर घायल हो गया और इलाज के लिए उसे जिला चिकित्सालय सीधी में ले गए हैं। साथ ही रेत को खाली कर दिया गया है और जेसीबी की मदद से उस ट्रक को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले के धौनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 15/4/2023 को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का सीधी कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का सीधी कलेक्टर के द्वारा आज निरीक्षण किया गया है। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है एवं सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके। बता दें कि सीधी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15/4/2023 को धौनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महाखोर हिनौती में लाडली बहना सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे, जिस बात को दृष्टि में रखते हुए सीधी कलेक्टर साकेत मालवी के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। उनके द्वारा सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले। सीधी शहर के हरिजन बस्ती में संतोष भारती के घर में घुसा जहरीला सांप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, जंगल में सुरक्षित छोड़ा। गर्मी आते ही सांप और बिच्छू जहरीले जीव अब अपने जंगलों से ठंड की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे में आपका घर अगर पानी के नजदीक है, तो आपके घर में सांप और बिच्छुओं का होना आम बात हो सकती है। दरअसल पूरा मामला सीधी शहर के हरिजन बस्ती का है, जहां संतोष भारती के घर में अचानक जहरीला सांप घुसाया था, जिसकी सूचना संतोष भारती के द्वारा वन विभाग के कंट्रोल रूम को दी गई, जहां कंट्रोल रूम की तरफ से वनकर्मी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे व उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।